जन्म कारण जननी भई, लीला कारण बालिका, सत्य कारण देवी भई और अंत कारण कालिका। दोस्तों, चिरकुमारी माँ नर्मदा की कथा जो अपने बचपन में मैंने अपनी नानी माँ के मुख से सुनी थी, वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मेखल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी तपस्या में लीन थे और ऐसे समय में उनके पसीने की बूंद से एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हो गया। भगवान भोलेनाथ को तपस्या करते हुए देख करके वह कन्या भी भगवान भोलेनाथ के समक्ष तपस्या करने के लिए बैठ गई। महादेव जी का ध्यान जब टूटा, तब उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा और उनके हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान भोलेनाथ ने बहुत प्रसन्नता महसूस करते हुए उस कन्या का उसी समय नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा, जिसका मतलब है सभी सुख देने वाली, के नाम से सारे संसार में विख्यात होगी और तुमने मेरे सामने तपस्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार में चाहे कोई भी प्रलय आए, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा और सारे विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर पाया जाने वाला पाषाण, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा, उसे बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जा सकेगा और तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती सहित सारे देवता निवास करेंगे। सारे संसार की एकमात्र ऐसी नदी होगी तुम, जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगर तुम्हारी सवारी होगा। जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा जी को अवतरित किया था, वह मेखल पर्वत था। इसी कारण से माता नर्मदा जी को राजा मेखल की पुत्री कहा जाता है। धीरे धीरे अपने बचपन के दिनों को पार करते हुए माता नर्मदा युवा अवस्था में पहुंच गई और ऐसे में राजा मेखल को नर्मदा मैया के लिए एक योग्य वर की तलाश करने का विचार मन में आया। अपनी अलौकिक कन्या के लिए महाराजा मेखल ने यह तय किया था कि जो भी राजकुमार गुल बकावली के दुर्लभ फूल उनके समक्ष लाकर पेश करेगा, उसी से वे माता नर्मदा की शादी करवा देंगे। यह एक अत्यंत कठिन शर्त थी, जिसे अनेक राजा महाराजा प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं कर सके। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ऐसे में राजकुमार सोनभद्र ने अपनी वीरता से गुल बकावली के फूल लाकर के राजा मेखल के समक्ष रख दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मेखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता नर्मदा के साथ सोनभद्र का विवाह करने के लिए अपनी सहमति दे दी। सारे राज्य में माता नर्मदा का विवाह होना जान करके प्रसन्नता का माहौल फैल गया। माँ नर्मदा ने अब तक सोनभद्र को देखा भी नहीं था, लेकिन अपने पिता श्री राजा मेखल के मुख से उन्होंने सोनभद्र के बारे में जो तारीफें सुनी, इससे मैया के मन में राजकुमार सोनभद्र से मिलने की लालसा जाग उठी और इसी कारण से उन्होंने अपनी दासी जुहिला को बुला करके कहा कि हे दासी, मेरे विवाह में अब कुछ ही समय शेष रह गया है, लेकिन फिर भी मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बात करना चाहती हूँ और उनके पास अपना संदेश भिजवाना चाहती हूँ, और मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर मेरा संदेश राजकुमार सोनभद्र को देकर आओ। जुहिला ने माता नर्मदा से कहा, हे मैया, मेरे पास ऐसे पावन अवसर के लिए अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे आप अपने वस्त्र और आभूषण दे दीजिए, जिससे मैं राजकुमार जी के पास जाकर आपका संदेश दे सकूं। जगत माता ने
दासी के ऐसे विनय पर अपने वस्त्र और आभूषण देकर के राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने की मंशा से विदा कर दिया। जोहिला जब नर्मदा मैया का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची, तो राजकुमार सोनभद्र को देखते ही जोहिला अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनके रूप और वैभव को देखते हुए जोहिला अपना मन हार बैठी और उसने राजकुमार सोनभद्र को अपना परिचय माता नर्मदा के रूप में दिया। राजसी आभूषण में आई हुई एक कन्या को देख करके राजकुमार सोनभद्र ने भी जोहिला को नर्मदा समझने की भारी भूल कर दी और उन्होंने अपना प्रेम प्रस्ताव जोहिला को माता नर्मदा जान करके उनके समक्ष रख दिया। जोहिला ने यह प्रेम प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। अब तक राजमहल में जोहिला को गए हुए काफ़ी समय बीत चुका था और माता नर्मदा के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उन्होंने खुद ही जाकर के स्थिति देखने का मन बनाया और माता नर्मदा अपने राजमहल से निकल करके उस जगह पर पहुंच गईं जहां पर उन्होंने अपनी दासी को राजकुमार सोनभद्र को संदेश देने के लिए पहुंचाया था। उस जगह पर जाकर माता नर्मदा ने सोनभद्र और जोहिला को जिस प्रकार प्रणय निवेदन करते हुए देखा, तो उनका हृदय कांप उठा। माता अत्यंत दुखी हो गई। भीषण अपमान की आग में जलते हुए माता वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी और उन्होंने उस जगह पर फिर कभी नहीं लौटने का विचार कर लिया। अब तक सोनभद्र को समझ आ चुका था कि माजरा क्या है। वह माता के पीछे दौड़ा और उसने पुकारा, नर्मदे लौट आओ, रुक जाओ नर्मदे। लेकिन नर्मदा मैया ने सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया था। उसी युवावस्था में तत्काल ही माता सन्यासी बन गईं और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। भारत की सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन माता नर्मदा पश्चिम की ओर चल पड़ी। रास्ते में घनघोर पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगल आते गए, लेकिन माता नर्मदा ने अपना रास्ता बनाया। कलकल छलछल का शोर करते माता नर्मदा आगे बढ़ती गई और मंडला के आदिम जनों के इलाकों में पहुंच गई। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा मैया की परिक्रमा में कहीं कहीं माँ नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है। भारत की सबसे बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन माता नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़कर अरब सागर की ओर दौड़ लगा दी और गुस्से के कारण अरब सागर में जाकर समा गईं। आज भी माता नर्मदा के दर्शन करने वाले चिरकुमारी माँ नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान महसूस करते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, वह नर्मदा मैया के दर्शन करने से ही मिल जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक बार गंगा माता ने भगवान के सामने जाकर कहा कि हे भगवान, पृथ्वीलोक में इतने पापी हैं कि उनके स्नान करने से मैं दूषित हो गई हूँ, प्रभु अब मैं क्या करूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने माँ गंगा से कहा, देवी आप माता नर्मदा जी के पावन जल में स्नान कीजिए, आपके सारे कष्ट तत्काल ही दूर हो जाएंगे। और आज भी ग्रहों के विशेष योग पर माता गंगा स्नान करने के लिए नर्मदा मैया के पावन तट पर आती हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि माता नर्मदा के तट पर जाकर सरल मन से मानी गई कोई भी मनोती कभी अधूरी नहीं जाती। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल baihar.com को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजीव।